ट्यूशन वाले कार्ड पार्ट का जो एस्पेक्ट है इसमें अगर दो चीजें नहीं आया है तो फिर तो वो मैटर जेके से परसू करना पड़ेगा। कौन करेगा, मुझे करना है या आप करेंगे? एक्चुअली आप एम्प्लॉयर जो है उनसे परसू कर सकते हैं, एम्प्लॉयर परसू करें जेके से, दैट वुड बी एम्प्लॉयर जो है, क्योंकि अगर जेके का कहना है कि हमने ट्रांसफर कर दिया हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, हमने अपना आप लेटर पे लिख के दीजिए कि ऐसा इशू है, फिर हम जेके को लेटर लिखेंगे कि इस एस्टेब्लिशमेंट का जो फंड ट्रांसफर है या इस मेंबर का फंड ट्रांसफर जल्द से नहीं आया है, तो एट एस हम लोग यही कर सकते हैं कि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं जेके से कि वो फंड सिस्टम का जो प्रोविजन था उसी को कंटिन्यू किया गया है।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नया आ रहा है। पहले पांच वाला कभी हमारी नॉलेज में जेके एपीएस में कभी नहीं आया। आप ठीक है, पहले 10 चल रहा था, आपने 10 को आपने जब पूरा सिस्टम एक शिफ्ट कर दिया सेंट्रल एपीएफ में, तो आपने ये चीज क्यों नहीं शिफ्ट की? आप भी कंटेंट का भी करना चाहिए था। ये जो है हायर लेवल का मिनिस्टर, तो हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए ज्यादा से ज्यादा न्यूज एपीएफ अकाउंट खुले ताकि बताया जाए कि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट कम है। वो आई नो ईच एंड एवरीथिंग, तो उसके बारे में तो हम बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने एडीएमआई की बात की, वेरी गुड। मैं लाइव कॉन्फ्रेंस देख रहा था जब फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था निर्मला सीतारमण जी ने कि हम कुछ सोचना पड़ेगा। आप जो एक लॉज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक एस्टेब्लिशमेंट के कॉन्ट्रेक्टर के ऊपर, तो आप एक स्कूल के ऊपर करेंगे, स्कूल वाला मारा जाएगा, बड़ा स्कूल नहीं मरेगा, छोटा स्कूल मर जाएगा। ठीक है, ये जो भी आपने मैटर रेज किए तो इसमें कुछ मैटर्स हैं स्कीम से रिलेटेड, तो उसके रिगार्डिंग वो हम बहुत ज़्यादा कुछ इसमें कमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने बेनिफिट एक्सटेंड किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस और पेंशन, वो काफ़ी मतलब डिसप्रोपोर्शनेट होगा इन रिलेटिव टू देयर कंट्रीब्यूशन। ये चीज़ मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ। आप हम पे लागू करते हैं कि सर आप अपने पॉकेट में से भरिए, देखिए पर वो जो छोटा स्कूल है उसकी पॉकेट में तो सैलरी के पैसे नहीं है। ये लॉ है, एक्ट है, तो कोई पेमेंट को कोई और ऑप्शन नहीं आता आज की डेट में। प्लीज सर एट लीस्ट यूपीए का ऑप्शन दे दीजिए वहाँ पे, ना ईसीआर में आपकी ईटीएफ में और ना ईएसआई में। आई डोंट वांट क्रेडिट कार्ड ऑप्शन या कुछ, मुझे पता है वो थोड़ा सा लीगली नहीं आ पाएगा आपका, कुछ सर्विसमेंट या अकाउंट से पेमेंट जा लीजिए। यूपीआई का एक ऑप्शन दे दीजिए सर, आजकल नेट बैंकिंग के पासवर्ड नहीं याद रहते हैं प्लीज सर, ये एक अमेंडमेंट चाहिए। ठीक है, एक आपका तो हमने नोटिस किया है पॉइंट, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ईमेल आईडी है हमारे हेड ऑफिस का एम्प्लॉयर फीडबैक @epfindia.gov.in, वहाँ पे भी ये आप सजेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये डायरेक्ट ईपीएफओ कमिश्नर जेके जूटी के द्वारा यहाँ डीसी ऑफिस में पूरे डिस्ट्रिक्ट की प्राइवेट स्कूल्स और जितने भी बाकी गवर्नमेंट अदारे यहाँ पर कंट्रैक्टर्स पे लेबर्स लगाई जाती हैं, वो मीटिंग यहाँ पर की गई थी। हमने भी अपने प्राइवेट स्कूल्स में जो ईपीएफओ के प्रति प्रॉब्लम्स थी वो यहाँ रखी। जैसे नवंबर 2019 से हमारा ईपीएफओ जेके जूटी है और ऑनलाइन सिस्टम है, उससे पहले जो नवंबर 2019 से पहले था जम्मू कश्मीर ईपीएफओ ऑफिस था, तो हमारा स्टेट के द्वारा भरा जाता था ऑफलाइन। तो जो नवंबर 2019 के बाद ईपीएफओ की प्रॉब्लम हमें नहीं आ रही है, लेकिन उससे पहले जो हमने टीचर्स का ईपीएफओ ईपीएफ फंड करवाया था या डीएलआई या जितने भी उनके पेंशन स्कीम्स के पैसे कटवाए थे, उनमें मैक्सिमम 99% प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जो स्टेट ने अपना ईपीएफ कन्वर्ट करना था सेंटर में वो उनसे ठीक ढंग से नहीं हो पाया। कहीं पर नाम के करेक्शंस हैं, कहीं पर आधार कार्ड के करेक्शंस हैं, तो करेक्शंस करने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तो आज निधि आपके निकट के द्वारा जो मीटिंग यहाँ डिस्ट्रिक्ट में रखी है, हमने वो पॉइंट्स यहाँ पर इनके सामने समक्ष रखे हैं और इन हमारे वो पॉइंट्स सोने भी हैं और जल्दी महीना डेढ़ महीने के बीच में उनको सॉल्व करने का अपना आश्वासन भी दिया है। जी, यहाँ पे आज जो डीसी ऑफिस में कार्यक्रम हुआ है बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा, और स्कूल्स के जो हैं पार्टिसिपेंट्स थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, स्कूल्स के एसोसिएशंस थे उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे, इंडस्ट्रीज़ की तरफ से भी आए थे, और लेबर ऑफिस के जो हमारे साथ रमन जी हैं उनका बहुत बढ़िया सहयोग रहा, उनके सबके सहयोग के साथ बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। यहाँ पे पीएफ पेंशन और ईडीएलआई स्कीम के बारे में जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनके बारे में बताया गया कि कैसे जो हमारा सेंट्रल ईपीएफओ है वो नवंबर 2019 के में आने के बाद से जम्मू कश्मीर में किस तरीके से काम कर रहा है, जो पेंशन का नई स्कीम यहाँ पे लागू हुई है उसके बारे में बताया गया, इंश्योरेंस में 2.5 से 7 लाख रुपए तक की बेनिफिट दी जा रही है इसके बारे में बताया गया, लोगों की क्वेरीज ली गई, काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे ग्रीवेंसेस थे, क्वेरीज थे, उन सबको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई, काफ़ी सारे लोगों
को संतुष्टि भी हुई है कि हाँ उनके ग्रीवेंस एट द स्पॉट रिजॉल्व हुए हैं। काफ़ी लोगों ने उत्साहपूर्वक पार्टिसिपेशन किया इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। डीसी ऑफिस को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं, साथ ही हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे लेबर ऑफिसर रमन जी, उनका भी धन्यवाद देते हैं। सर, जैसे कि सर आप जानते हैं मतलब प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल जी समस्याएं लगी जी ऑनलाइन सिस्टम को लेकर जी, मतलब जो समस्याएं थी उनको किस तरह से समाधान किया जाए जी, उनकी समस्याओं को सुना गया। ऑनलाइन जो भी इश्यूज थे, कई लोगों के इश्यूज थे कि उनका पुराना जो JKEPF का ट्रांसफ़र है वो नहीं हुआ है, तो हमने बताया कि उनसे भी हम लोग ये टेकअप कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। इंटरेस्ट की कुछ प्रॉब्लम्स बताएं कुछ लोगों के कि इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी प्रयास जारी है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से। जो भी समस्याएं हैं उसको जल्द से जल्द दूर करके, जो भी ये इंटरेस्ट नहीं देने नहीं मिलने का समस्या है, और उनको ये भी बताया गया कि इंटरेस्ट उन सबको अक्रू हो रहा है, उन सबको इंटरेस्ट मिल रहा है, जब भी वो क्लेम करेंगे ये सभी जो भी PF सदस्य हैं उन सबको ये आश्वस्त रहने की ज़रूरत है कि उनका इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है। उनके पासबुक में भले ही रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा हो लेकिन उनको इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है, जब भी वो क्लेम करेंगे वो उनको पूरे अप टू डेट इंटरेस्ट उनके साथ मिलेगा, और साथ ही उनके पासबुक में भी रिफ्लेक्ट होने के लिए बहुत जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि बहुत जल्द से जल्द उनके पासबुक में भी रिफ्लेक्ट हो जाए। अभी हमारा सेंट्रल EPFO को आए हुए जस्ट 3 साल हुए हैं, तो डेफिनेटली हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह जो हैं हम अपना प्रेजेंस बना पाएँ। लेकिन एट प्रेजेंट हमारे JNK एंड लद्दाख में 3 ऑफिसर्स हैं, एक जम्मू में, एक श्रीनगर में और एक लेह में। तो आप लोगों का जो ये फीडबैक है, यहाँ पे भी कई लोगों ने ये सुझाव दिए कि यहाँ पे भी ऑफिस होना चाहिए, हम लोग भी आगे प्रयास करते हैं। आगे जो हमारी जो हेड ऑफिस है उससे भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि फर्दर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ऑफिसेज खोले जाएं, और होपफुली मे बी इन फ्यूचर जब भी सरकार का ऐसा निर्देश होता है तो वो ज़रूर ऑफिस बाकी जगह भी खोलने की तरफ प्रयास किए जाएंगे।